स्वागत है कंप्लीट सॉल्यूशन एकेडमी में। आज चौथी वीडियो वाइज के साथ हम आप लोगों के सामने हैं। पिछली वीडियो जो तीसरी वीडियो थी वो टेक्निकल इश्यूज की वजह से आधे पर ही रुक गई थी, बिना बताए बिना वार्निंग के रुक गई थी। तो आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को वॉइस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ इंट्रोडक्शन बताए थे आप लोगों को, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को कुछ जैसे यस आर नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं इंट्रोगेटिव में। तो यस आर नो टाइप के सेंटेंस का जो कंक्लूजन था वो हो चुका था, लेकिन डब्ल्यू एच टाइप के कंक्लूजन पर ही हम पहुँचे थे तो वीडियो इस नेटवर्किंग इश्यूज की वजह से रुक गई थी। तो हम डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंस से ही देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस आप लोगों को बताया गया था कि जब डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंस आप लोगों के सामने होंगे, ठीक है ना, तो वो दो तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। पहला तो वॉइस में, स्पेशली वॉइस में, ठीक है ना, वॉइस में स्पेशली दो तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। वो क्या होगा? पहला, जब सेंटेंस में डब्ल्यू एच ओ मतलब हो, मतलब जब सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है तो, ठीक है ना, तो क्या होता है उसको देखिए। और जब सेंटेंस में अदर डब्ल्यू एच टाइप वर्ड आते हैं, ठीक है ना, तब उनके अकॉर्डिंग किस तरीके से सेंटेंस को सॉल्व करते हैं उसको भी हमें आज इसी वीडियो में देखना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अंत तक बने रहिए और वीडियो को इन्जॉय कीजिए, आप लोग देखते रहिए। तो हु लिखा गया है, हु का मतलब सेंटेंस में एक एक्टिव सेंटेंस ले लेता हूँ, उसके माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि हु इज, हु इज द ब्रेक दिस ग्लास, हु इज द ब्रेक दिस ग्लास, ये आप लोगों के सेंटेंस के सामने। अब आप लोग ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस का अगर आप लोग पैसिव बनाओगे तो किस तरीके से बनाओगे, ठीक है ना। पैसिव बनाकर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, मैं इसका फार्मूला आप लोगों के सामने लिख देता हूँ किस तरीके से पैसिव बनेगा। इससे पहले मैं जो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी उसको आप लोग देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको उठा के अंत में रखेंगे और ऑब्जेक्ट को पहले, ये था अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस का फार्मूला। लेकिन इसमें क्या होगा आप लोग देखना, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो क्या है, मिसिंग है, उसके प्लेस पर क्या लिखा गया है, हु लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए, हु जो लिखा गया है इसको अंत में ले जाएंगे और दिस ग्लास इस सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दिस ग्लास को पहले लाएंगे, लेकिन ऐसा इस डब्ल्यू एच टाइप वर्ड में नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जब डब्ल्यू एच टाइप का सेंटेंस होता है तो वो कैसे होता है, वह ऐसे होता है कि उस सेंटेंस का डब्ल्यू एच टाइप वर्ड सेंटेंस की सबसे स्टार्टिंग में होगा, ठीक है ना। सेंटेंस की स्टार्टिंग का मतलब हो गया कि उस सेंटेंस को यहाँ पर हु को हु पहले ही रखा जाएगा, लेकिन बाई लगाने के बाद, बाई प्लस हुम, हुम कर देंगे, इसको सबसे पहले रख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब तो होगा ही, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है ना, जो इस सेंटेंस का हमारे पैसिव वॉइस सेंटेंस को बनाते समय का ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या रखेंगे, द बाई होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम अपने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रख देंगे, सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। अब इस सेंटेंस को नज़र पे रखिए आप लोग, हु इज द ब्रेक दिस क्लास, ठीक है ना। अब बाई लगाना है सबसे पहले, बिना सोचे समझे आप लोग बाई लगा दो, बाई होम लिख दिया गया क्योंकि हु है, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया गया, इज लगा है, आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में जब हम इसको पैसिव वॉइस चेंज करने लगते हैं तो इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग में चेंज होता है, ठीक है ना। लेकिन इज है तो यहाँ पर बाई होम के अकॉर्डिंग ही हम क्या लिख देंगे, इज बीइंग लिख देंगे, ठीक है ना। इज बीइंग हो गया, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस ग्लास, इज दिस ग्लास, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, बींग जो है इज और बींग के बीच में, इसी चीज़ को देखना है, जब दो वर्ड किसी सेंटेंस में आ जाएंगे, बाई हूम, हूम यहाँ पर लिखा गया, इज बींग लगाना है, तो हम पहले इज बींग और इज और बींग के बीच में हम दिस ग्लास लिख देंगे जो हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, इज दिस ग्लास फिर बींग लिखेंगे, ठीक है ना। यानी कि इज और बींग के बीच में हमारा क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर सेंटेंस, ये तो फार्मूला तो ये हमेशा नहीं बताएगा कि इज और बींग मिल रहा है, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस इंडेफिनिट सेंटेंस में भी आ जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ सकता है, पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब इज बींग या आर बींग या आई एम बींग या शैल बी, विल बी, ऐसे सेंटेंस हों तो एम बींग, आर बींग यानी कि इज और बींग के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, शैल बी और विल बी का मतलब शैल बी, शैल और बी के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब ऐसे वर्ड जो दो सेंटेंस, दो वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब क्रिएट करते हैं, उन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या मिल जाएगा,
हमें अपना ऑब्जेक्ट रखना होगा जब सेंटेंस में हु लगा हो तो, ठीक है। तो इज दिस ग्लास बींग, अब इस थर्ड फॉर्म देखिए, हमारा ऑब्जेक्ट भी हो गया, अब मेन वर्ब की क्या बची है, थर्ड फॉर्म बची है। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रोकन होता है, क्या होता है, ब्रोकन। सेंटेंस सॉल्व हो गया, बाई हुम इज दिस ग्लास बींग ब्रोकन, सेंटेंस सॉल्व। तो आसानी से हम इस सेंटेंस को यहाँ पर सॉल्व किया, ठीक है ना। अब एक सेंटेंस मैंने कहा अदर डब्ल्यू एच टाइप वर्ड से ले लेते हैं। अदर डब्ल्यू एच टाइप का वर्ड का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया था कि क्या होता है अदर डब्ल्यू एच टाइप वर्ड। अदर डब्ल्यू एच टाइप में आप लोगों को व्हाट मिल सकता है, हाउ मिल सकता है, व्हेन मिल सकता है, बहुत सारे डब्ल्यू एच टाइप वर्ड हैं जो हु को छोड़कर जितने भी हैं सब आएंगे उसमें, ठीक है। अब उसमें सब आ सकते हैं। अब उन्हीं सेंटेंस को हम देखेंगे, जैसे व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, इस सेंटेंस को हम देखेंगे। देखिए व्हाट आर यू डूइंग नाउ में क्या होगा, इस सेंटेंस को हम एक्टिव सेंटेंस के माध्यम से रखकर यहाँ देखेंगे। देखिए ध्यान से, इस सेंटेंस का फार्मूला भी बदल जाएगा, ठीक है, अदर डब्ल्यू एच टाइप वर्ड में। ध्यान से देखिए अदर डब्ल्यू एच टाइप फार्मूला कैसे बदलेगा, ध्यान से देखो। पहले हम क्या लिखेंगे, अपने सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि अब डब्ल्यू एच टाइप वर्ड सबसे पहले होगा, क्योंकि अब यहाँ पर तो सब्जेक्ट मिस होगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट मिस केवल हो से होता है, ठीक है, और किसी वर्ड डब्ल्यू एच टाइप वर्ड से नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर डब्ल्यू एच टाइप आया, उसके बाद हम प्लस लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तुम लोगों को इंट्रोगेटिव में पढ़ाया गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत डब्ल्यू एच टाइप के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगता है। फिर क्या लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट लगा दिया जाएगा। इस फार्मूले के साथ हम लिखेंगे, लिखते हैं व्हाट, एक्टिव सेंटेंस देखो, व्हाट आर यू डूइंग दिस टाइम। इस सेंटेंस को देखो, दोनों सेंटेंस बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, आप लोग इसको सॉल्व करके देखिए। व्हाट आर यू डूइंग दिस टाइम, यानी कि तुम इस समय क्या कर रहे हो, तुम इस समय क्या कर रहे हो। फार्मूला क्या कहता है आपका, डब्ल्यू एच टाइप को रखिए, रखिए डब्ल्यू एच टाइप को, तुरंत जो लिखा गया है उसी वर्ड को रख दीजिए। हेल्पिंग वर्ब को रखिए, आर आया है, आर आया है ना, आर को रखिए, आर रखिए, फिर बींग रखिए। देखिए ध्यान से, अब मैंने गलती किया है यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को यही चीज़ नोटिस करना है, ठीक है ना, कि गलती किया हो तो क्या किया हो। देखो यहाँ पर जो आर लगा है वो यू के माध्यम से लगा है, लेकिन अब हमें पैसिव वॉइस बनाते समय आर जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा वो व्हाट, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर मिसिंग है उसके माध्यम से होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हम उठाकर इज रख देंगे, इज, फिर बीइंग लगा है। अब यहाँ पर मैंने कहा था ऑब्जेक्ट है तो लगाइए, यहाँ पर हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट के माध्यम से रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के माध्यम से रख रहे हैं तो इसी के बीच में ही तो हो जाएगा, इज और बीइंग के बीच में, अभी अभी मैंने इससे पहले वाले सेंटेंस में बताया। तो इज बीइंग को हटाइए, फिर यहाँ पर क्या रखोगे, दिस टाइम बीइंग, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, डूइंग को डन कर दो, फिर बाई लगाओ, बाई सब्जेक्ट क्या है, यू है। सेंटेंस बन गया आपका, व्हाट इज़ दिस टाइम बीइंग डन बाई यू, सेंटेंस आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप लोग। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद एकेडमिक लेवल स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है इंपरेटिव सेंटेंस को सॉल्व करना, ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है उसको हम बताएंगे तुरंत, ठीक है ना। एक्सरसाइज हम सॉल्व करवाएंगे, आप लोगों को वीडियो को देखते चलना है, केवल वीडियो को कंक्लूजन तक देखते चलिए। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को मेरे द्वारा एक्सरसाइज ज़रूरत है या नहीं है, या खुद कर सकते हो आप लोग। जब आप लोगों की ज़रूरत होगी तो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, लाइव वीडियो के साथ करवाऊंगा, ठीक है ना, जिससे आप लोग हमारे साथ एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे। लेकिन आज क्लास करिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस की हिंदी तो आप लोगों को विधिवत पता है कि आज्ञा सूचक वाक्य होती है। आज्ञा सूचक वाक्य क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य दो तरीके से व्यक्त किया जाता है, कि कोई भी सेंटेंस हो अगर उसके सामने है तो वो दो तरीके से आएगा, ठीक है। पहला तो मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें केवल सेंटेंस को पढ़कर अर्थ से समझ लिया जाता है कि इसमें आज्ञा या आदेश या फिर सुझाव या सलाह या फिर प्रस्ताव रखा जा रहा है, इंग्लिश में हम जानते हैं, या फिर ऑर्डर किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है ना, या सजेस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। इतने माध्यम से हम समझेंगे। पहला नंबर तो ये ऑर्डर मैं देख लेता हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ, सजेशन, उसके बाद रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रपोज, ये पांच सेंस हैं,
उसके बाद एक सेंटेंस होता है जो लेट से स्टार्ट होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट, एडवाइज और प्रपोज, यानी पांच टोटल कितने हैं, पांच ऐसे सेंस हैं, पहला जो सेंसिबल सेंटेंस में आएगा, ठीक है, इसको देखते चलिए आप लोग। लेट के साथ सेंटेंस की स्टार्टिंग एक एक एग्जांपल लेंगे हम, फार्मूला देख लेते हैं पहले। सेंसिबल सेंटेंस को जब हम रखेंगे किसी भी सेंटेंस के साथ, जैसे यहाँ पर रखा जाता है कि ऐसा सेंटेंस लेते हैं, ब्रिंग आ कप ऑफ कॉफ़ी। देखो आज की क्लास जो होगी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोग एकेडमिक लेवल के स्टूडेंट हो तो इम्परेटिव सेंटेंस को समझना बहुत आसान है, ये मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है ना। देखो इस सेंटेंस जो यहाँ पर रखा गया है इसमें दो चीज़ें हैं, केवल दो चीज़ें, एक तो हमारा मेन वर्ब और दूसरा टोटल हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा मेन वर्ब है। इन्हीं दोनों को देखते हुए हम तीन फार्मूले बताएंगे जिससे आप लोग इम्परेटिव सेंटेंस के सेंटेंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, स्पेशली सेंसिबल सेंटेंस को, ठीक है। ध्यान दो तीन फार्मूला कौन कौन सा है। पहले फार्मूले के माध्यम से आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले करना है कि हम पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है ना, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है ना। दूसरा फार्मूला क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा क्या है, पहले देखो ध्यान से, तीसरा सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर एक पर फॉलो हो जाता है, ठीक है ना। जैसे सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड, मेरी बातों को बहुत ध्यान से देखना, उसके बाद टू लगाकर सेंटेंस का मेन वर्ब लिख देते हैं आगे, ठीक है ना, टू लगाकर मेन वर्ब को वैसे का वैसे लिख देते हैं, ठीक है ना। मेन वर्ब के साथ वो सेंटेंस, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और वो सेंटेंस पूरा का पूरा एज यूजुअल, मतलब जैसा है वैसे का वैसे उतार देते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, मैंने बताया एक दो और तीन, तीन फार्मूले आप लोगों के सामने हैं, मैं इसको दिखा सकता हूं कि ये तीनों फार्मूले में ये सेंटेंस कैसे फिट बैठता है, मतलब कैसे आप तीनों फार्मूलों को एक साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ब्रिंग लिखा गया है, ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी, देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है ना। सेंटेंस को सॉल्व कीजिए, अ कप ऑफ कॉफ़ी के अकॉर्डिंग लगाइए, देखिए कैसे आता है, अ कप ऑफ कॉफ़ी लिखिए, अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है ना, हो गया अ कप ऑफ कॉफ़ी। उसके बाद शुड बी लगा दीजिए, शुड बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग का हो जाएगा ब्रॉट, ठीक है ना, ये हो गया सेंटेंस, अ कप ऑफ कॉफ़ी शुड बी ब्रॉट, ये हो गया इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस। फिर इसमें आइए, इसके माध्यम से लिखिए, लेट लगा दो, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, अ कप ऑफ कॉफ़ी, अ कप ऑफ कॉफ़ी, उसके बाद क्या लगाना है हमें, बी लगा देना है, बी लगा दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया, ब्रॉट हो गया, देखिए ये सेंटेंस सॉल्व हो गया। अब यू आर रिक्वेस्टेड से आएगा, अगर रिक्वेस्ट है सेंटेंस में तो रिक्वेस्टेड, और अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, सजेशन है तो सजेस्टेड, एडवाइज है तो एडवाइज्ड, प्रपोज है तो प्रपोज्ड, मतलब ये रिक्वेस्टेड के प्लेस पर सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ड बदलते रहेंगे, ठीक है ना, इस चीज़ को नोटिस करके रखना। हम इसी सेंटेंस को इसमें रखते हैं, ठीक है ना। देखो यू आर लिखा गया है, यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रहा है, मैंने रिक्वेस्टेड लिख दिया, फिर टू लगा दिया, देखो मैंने टू लगाया है ना। अब ये सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है, मेन वर्ब से, तो यहाँ पर ब्रिंग आ कप ऑफ कॉफ़ी वैसे का वैसे लिख देंगे, मतलब टू लगाने के बाद आगे का पूरा सेंटेंस जो हमारा एक्टिव वॉइस है हेल्पिंग वर्ब के साथ उतार देंगे। उससे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब के पहले कुछ लगा है तो उस पर उसके पहले वाला सेंटेंस ना लिखकर हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे लिखना। तो ये था हमारा सेंसिबल सेंटेंस। देखिए लेट के साथ स्टार्ट होने वाले सेंटेंस भी इसी के माध्यम से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। वो क्या माध्यम है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन इसको आप लोग अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, मैं कैमरे से ऑफ हो गया हूँ। देखिए ध्यान से आप लोग, जब भी कभी आप लोगों के सामने इम्परेटिव का सेंटेंस आएगा तो वो सबसे प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है कि कब सेंटेंस के माध्यम से हम सेंसिबल और लेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। लेट को कैसे सॉल्व करते हैं और इन सबको कैसे सॉल्व करते हैं ये आप लोगों के सामने है। मैंने एक सेंटेंस लिया, ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी, उसके तीन फार्मूले बताए, ठीक है ना। तीनों फार्मूले पर मैंने एक एक सेंटेंस करके दिखा दिया आप लोगों को, नोट कर सकते हो आप लोग सेंटेंस को, ठीक है, नोट कर सकते हो आप लोग सेंटेंस को। और उसके बाद हम आप लोगों को लेट के माध्यम से बताने वाले हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखना लेट के माध्यम से कैसे सेंटेंस को पढ़ोगे, ठीक है ना। अगर सेंटेंस में लेट आ जाता है तो उसका फार्मूला देख लीजिए,
देखिए लेट प्लस, लेट को लेट लगाओगे ही, ये तो आप लोगों को विधिवत पता है। जैसे मैं सेंटेंस लिख लेता हूँ उसके बाद आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए लेट लेट मी टीच द स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो लेट मी टीच द स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस है आप लोगों के सामने। इस सेंटेंस को कैसे करोगे, ठीक है ना, ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना। आप लोगों को लेट लिखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को एक फार्मूला, ठीक है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का जो यहाँ पर लिखा गया है, इसके मतलब हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा गया है तो हम इस सेंटेंस को सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी मानो आप लोग। लेट प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद क्या लगा देना है, बी लगा देना है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाई प्लस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है ना। इस फार्मूले के साथ देखो, मैंने लेट को लेट लिखा, फिर मी को हटाकर मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, इस सेंटेंस को लिखना है जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स हो गया, फिर क्या लिखना है, बी लगा देना है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, टीच को टाट कर देंगे, टाट है टीच का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद बाई लगाना है, ऑब्जेक्ट का मतलब मी। तो क्या आया लेट का सेंटेंस, अब कोई भी लेट का सेंटेंस हो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें पढ़ा सकते हैं आप लोगों को, या फिर आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाइस का आखिरी वीडियो था, कंक्लूजन वीडियो था। आप लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंस तक पढ़ा है, अगर कोई भी आप लोगों को कमियां इसमें दिखती हैं